गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास 3 सब्जेक्ट हिंदी। हिंदी के पीरियड में आज आपका स्वागत है। थर्ड स्टैंडर्ड में और चैप्टर 3 संयुक्त अक्षर। इससे पहले के पार्ट 3 में हमने सीखा है कि संयुक्त अक्षर किसे कहते हैं, संयुक्त अक्षर कैसे लिखते हैं। तो वहां पर हमने सीखा है स्वर और व्यंजन। स्वर को हलंत नहीं लगता, कोई भी व्यंजन को ऐसा निशान लगेगा तो वो होगा हलंत का निशान। हलंत कोई व्यंजन को लगेगा तो वो व्यंजन पढ़ा भी आधा जाएगा और लिखा भी आधा जाएगा। ये हम इससे पहले के पाठ में सीखे हैं। वहीं पर हमने कुछ एक शब्द लिखे थे जो हमें बुक में दिए गए थे, वो शब्द हमने लिखे और पहचाने और जाने के उस व्यंजन को हम कैसे लिखेंगे। तो आज हम उससे ज्यादा शब्दों की प्रैक्टिस करेंगे और सीखेंगे कि कैसे संयुक्त अक्षर लिखते हैं, जिससे रिवीजन में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। पर आज हम कैसे शब्द सीखेंगे वो हमने आगे के पार्ट में हमने देखा। कोई भी व्यंजन को हलंत का निशान लगा था, जैसे ख को हलंत का निशान लगा तो वो हो जाएगा आधा। पर आज हम कुछ एक ऐसे शब्द लिखेंगे जहाँ पर र को आधा निशान लगेगा तो वो आधा र हो जाएगा। तो आधे र वाले कुछ एक शब्द है जो हम लिखेंगे, जिसकी हम आज प्रैक्टिस करेंगे। तो चलो लिखते हैं हम। सर फॉर
वो शब्द। र आधा है तो र आधा हो जाएगा और लिखेंगे ऐसे, सब में आप देख सकते हैं। स प्लस हलंत र प्लस प सर प, द प्लस हलंत र प्लस जी दर जी। हलंत बार बार हलंत नहीं बोल सकते इसीलिए हमने उसको आधा कर दिया दर जी। च प्लस हलंत र, हलंत मतलब हो गया आधा। च प्लस हलंत र प्लस च चर च। प प्लस र प्लस व प्लस त प व त। प के बाद हलंत र है इसलिए व पर रेख लगा। अगर व के बाद हलंत र होता, अगर ऐसा होता प प्लस व प्लस र हलंत प्लस त, तो आप र का रेख र आधा कैसे लिखते, प व त। कौन से व्यंजन के आगे के यहाँ हमें दिया गया है प के बाद, अगर यहाँ पर व के बाद दिया गया गया होता तो त के ऊपर रेख आता, यहाँ पर हमें प के बाद व से पहले दिया गया है इसलिए व के ऊपर हमने र को आधा लगाया। अगर यहाँ पर व के बाद होता तो त के ऊपर लिखते। मू प्लस हलंत र प्लस गा मूल गा। न प्लस हलंत र प्लस स नर्स, नर्स मतलब परिचारिका। द प्लस र प्लस प प्लस हण दर्पण। ये कुछ र आदि वाले शब्द है जो आप अपनी बुक में लिखिए। वर्ण दिए गए हैं जिसे हमें जोड़कर कोई शब्द बनाना है, वो हम संयुक्ताक्षर में सीख गए हैं। जैसे हमने आधे र वाले शब्द लिखे, ऐसे ही कोई भी व्यंजन को हलंत लिखा होगा वो आधा करके हम लिखेंगे। तो हमें शब्द दिया है, वर्ण दिया है, म प्लस हलंत क प्लस खी। हलंत क है तो क कैसा हो जाएगा आधा, म आधा क म खी।
लिखो। यहाँ पर हमें वर्ण दिए थे अलग अलग, जिसको हमने जोड़कर एक अर्थपूर्ण शब्द लिखा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पहला शब्द है म प्लस क प्लस खी। क यहाँ पर हलंत है तो क हो गया आधा, म खी। वहीं पर दूसरा ग हलंत है, ग प्लस वा प्लस ला, ग्वाला। तीसरा ख प्लस हलंत ट प्लस टा, खट्टा। ह प्लस हलंत ड प्लस डी, हड्डी। यहाँ पर ड हो गया आधा, लिखा भी आधा, हम बोलते भी आधा है। प प्लस हलंत ट प्लस थ प्लस र, पत्थर। सिक्स र प्लस त प्लस न, तो यहाँ पर त हलंत है तो यहाँ पर त हो गया आधा, रत्न। बू प्लस द प्लस ध, यहाँ पर द है हलंत तो द हो गया आधा, बुद्ध। ध प्लस व प्लस ज, पर ध यहाँ पर कैसा है हलंत तो हो गया ध्वज। सु प्लस र प्लस य, सूर्य, तो ये हो गया सूर्य, र आधा। यहाँ पर र का निशान हम आधे रखो, हम ऐसा लिखेंगे। ये सभी शब्द अपनी नोटबुक में लिखिए आप सभी। फिर हम लिखते हैं वर्णमाला। दिए थे संयुक्त, जैसे म प्लस छ प्लस ली, ऐसे शब्द दिए थे तो हम पूरा शब्द मछली ऐसे बना देते, पर आज हमें ऐसे ही शब्द, पूरा शब्द दिया जाएगा जिसको हमें आधा करना है। तो उसमें पहला शब्द है बच्चा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर चौक कैसा है आधा, तो क्या होगा ब प्लस चौक, कैसा होगा चौक होगा हलन। ब प्लस हलन चौक प्लस चार, तो शब्द बन गया बच्चा। यहाँ पर हमें शब्द दिया था, हमको अलग करना था।
यहाँ पर क कैसा होगा? वो होगा हलन। बिल्ली लॉ कैसा है? आधा। बी प्लस हलंत ल प्लस ली बिल्ली। हमें शब्द दिया है ढक्कन। ढ प्लस हलंत क क्यों? क्योंकि यहाँ पर क है वो आधा है। हलंत क प्लस न ढक्कन। इसको हम कैसे करेंगे? कुत्ता कु प्लस हलंत प्लस ता कुत्ता। पुस्तक कैसे लिखेंगे? कु प्लस स हलंत त प्लस क पुस्तक। लट्टू ल प्लस हलंत प्लस टू लट्टू। यहां पर हमें पूरे शब्द दिए थे जिसको हमने अलग अलग कर दिए, जिससे हमें पता चला कि पर्टिकुलर कोई शब्द दिया गया है तो उसको हम अलग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने आगे सीखा था कि ब प्लस हलंत च होगा तो च आधा हो जाएगा। यहाँ पर हमें शब्द दिया था बच्चा, तो यहाँ पर हमने लिखा च जो आधा है वो च लिखा हलंत। ब हलंत च चा मतलब बच्चा। चक्की शब्द दिया था तो हमने लिखा च प्लस हलंत क। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें क दिया है आधा प्लस की चक्की। बिल्ली बिल्ली में ये ल आधा है तो यहाँ पर ल होगा हलंत, इसलिए यहाँ पर ल आधा दिया है। खच यहाँ पर हमें एक जो आधा है और एक पूरा है तो जो आधा है वो क्या होगा? हलंत। ढक्कन यहाँ पर भी हमें दो क दिए हैं, जो एक क पूरा है और एक आधा है तो जो आधा क है वो हो जाएगा हलंत। यहाँ पर शब्द दिया है कुत्ता, यहाँ पर भी दो क है तो एक क है वो आधा है और एक पूरा है तो जो आधा है वो हो जाएगा हलंत। पुस्तक हमें कैसे पता चला कि सौ आधा है सौ हलंत है? क्यों? क्योंकि हमें सौ दिया है आधा और आगे हमने सीखा है जो जिस व्यंजन को हलंत का निशान लगेगा उसको हम पढ़ेंगे आधा और लिखेंगे भी आधा। तो यहाँ पर लिखा है आधा तो ये हो गया हलंत। कु प्लस हलंत स प्लस त प्लस क तो हो गया पुस्तक। लट्टू आधा ट है तो क्या हो
में। आप सभी जानते हैं वर्णमाला के बारे में। अगर आपको वर्णमाला लिखनी है तो कैसे लिखेंगे, वर्णमाला में कौन कौन से लेटर अक्षर आते हैं वो भी आप जानते हैं। वर्णमाला में स्वर और व्यंजन दोनों ही आते हैं, तो स्वर कौन कौन से हैं? ये बार बार आपको इसलिए रिपीट कर रहे हैं क्योंकि आप भूल ना जाइए स्वर कौन से है और व्यंजन कौन से है। स्वर में आएगा ओ, आ, ई, ई, ऊ, 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 ए, ऐ, ओ, ओ, अम, अ, ये है स्वर। अगर आपको पूछे कोई कि वर्णमाला पूर्ण करो, वर्णमाला लिखो, तो ऊपर वैसे ही दिया होगा अ से अह तक दिया होगा, तो आपको ये बीच के जो स्वर है वो लिखने हैं। अगर बोला हो क से ये हो गए स्वर, और बोला जाए आपको व्यंजन लिखो, व्यंजन लिखो, तो व्यंजन कौन कौन से हैं? तो वो है क, ख, ग, घ, च, छ, झ, ये सभी है वो व्यंजन है जो कि आप जानते हैं। वर्णमाला में, वर्णमाला में स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं, पर आपको कभी ऐसा दिया जाए कि क से छ तक के वर्ण लिखो, तो वो क्या हो गए? वो हो गए व्यंजन, क्योंकि क ख ग घ च छ जो वो सभी व्यंजन है। अगर आपको लिखा जाए कि वर्णमाला लिखो, वर्णमाला लिखो, ऐसा बोला जाए, पर नीचे दिया होगा अ से अह तक, अ से अह तक, तो ये लिखनी है आपको स्वर की वर्णमाला। नीचे दिया होगा जैसे लिखिए ग से प तक, तो ये व्यंजन है और ये है स्वर। ये बात आपको अच्छी तरह से याद कर लेनी है, स्वर को तो बहुत ही अच्छी तरह से याद कर लेना है, क्योंकि मात्रा में हम स्वर का उपयोग करेंगे। कोई भी व्यंजन को मात्रा लगाएंगे, क को हमें का लिखना है तो कौन सी मात्रा आएगी, होगी आ की मात्रा, तो हमें स्वर को अच्छी तरह से याद करना है। और व्यंजन भी क से न तो हमें लिखना आना चाहिए, और वो कौन सा वर्ण है उसको पहचानना आना चाहिए। और 12 खड़ी, स्टैंडर्ड सेकंड में आपने 12 खड़ी सीख ली है, कोई नई बात नहीं है, पर अभी आपको उसकी 12 खड़ी की भी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप वर्ण को और वर्णमाला को अच्छी तरह से कैसे शब्द बना